जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है तो जरा मुझे बता दें, क्लियर आ रही है ये भी बताइएगा। चलें ठीक है, अगर थोड़ी सी स्लो आ रही है तो अपनी जो वॉल्यूम्स है वो ऊंचा रखिएगा। ठीक है, अच्छा पुराना जो लेक्चर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को फील हुआ हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछ लें, फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं आज का। आज हमने फर्दर चीजों को आगे लेके चलना है, हम पेरिफेरल नर्व इंजरीज पढ़ रहे हैं, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लेक्चर थोड़ा सा आज हमारा लंबा है तो टाइम से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो चीजें कवर की थी वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और रिकवरी और जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस थी जनरल, हमने उनको कवर किया था। आज हम स्पेसिफिकली जो आपकी मस्कुलर स्केलेटल से रिलेटेड नर्व इम्पेयरमेंट्स हैं, नर्व फंक्शन इम्पेयरमेंट, उनको डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, अल्नर नर्व कंप्रेशन है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है। ठीक है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम की बात करते हैं। तो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम जो है वो बेसिकली ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस जब राइट अवे आपकी फोरामिना से बाहर निकलता है तो हमारे पास एक एरिया बनता है जो कि जिसको हम आउटलेट कहते हैं, वो थोरेसिक के एरिया में है, उसको हम आउटलेट बोलते हैं। थोरेसिक आउटलेट ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे नर्व्स की इंजरी की या कंप्रेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब नर्व कंप्रेशन की जो सेप्टेबिलिटी है वो काफी हाई है। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज करते हैं उसमें नर्व में इंपेंज हो सकती है, उसमें आर्टरीज इंपेंज कर सकती है, उसमें आपकी विनस से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किस्म की अराइज हो सकती हैं, इसलिए हम इसको मतलब कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, ये ब्रेकियो प्लेक्सिस डिस्टल जहां से ये जस्ट डिस्टल टू द नर्व रूट्स एग्जिटिंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ एक्सिला, ये एरिया आपका है। और अगर इसकी हम बाउंड्रीज की बात करें तो इसको जरा क्लियरली देख लीजिएगा कि ये जो मीडियल साइड पे अगर इसकी बाउंड्री देखें तो ये स्कैलिनस जो मसल्स हैं, इंटीरियर, मीडियस और पोस्टीरियर, साथ में फर्स्ट रिब पोस्टीरियरली, ठीक है, सॉरी मीडियली। उसके बाद जो पोस्टीरियर साइड पे इसका आ जाता है अपर ट्रैपीजियस की बाउंड्री आ जाती है, स्कैपुला है पोस्टीरियर साइड पे। इंटीरियर साइड पे आपका क्लाविकल है, कोरकोइड प्रोसेस है, पेक्टोरलिस माइनर है, डेल्टो पेक्टोरियल फेशिया है, ठीक, और लेटरल साइड पे एक्सिला है। तो ये जो चार बाउंड्रीज हैं इसकी, ये इसके दरमियान में ये बेसिकली आउटलेट है जहां से आपकी नर्व, आर्टरीज और वेन्स ने पास आउट करना होता है। अब थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और एक आम नर्व इंजरी में क्या फर्क है, उसके अगर हम डीडी की बात करें या डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो एक नर्व इंजरी जो है उसके अपने एक साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, पैरेस्थीजिया है, पेन है, टिंगलिंग है, नमनेस है, वीकनेस भी आ जाती है। लेकिन अगर अपर एक्सट्रीमिटी में आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ आपको कोई वैस्कुलर साइंस भी मिल रहे हैं जो कि एक आम नर्व इंजरी से कंसिस्टेंट नहीं है, ये उसको रिलेट नहीं कर रहे एक आम नर्व इंजरी को, तो आप जो तो आपका ध्यान जो है वो किस तरफ जाना चाहिए, वो आपका ध्यान थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जो आपकी आम नर्व इंजरी के साथ कंसिस्टेंट ना हो,
जो पेरिफेरल नर्व्स के जो डर्माटोम्स हैं उस पैटर्न को फॉलो ना करें, जो आपके मायोटोम्स का पैटर्न है उसको फॉलो ना करें, तो आपका ध्यान किधर जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ खाली नर्व इंजरी नहीं है, इसमें और भी कोई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें पेन है, पैरेसीजिया है, नमनेस है, वीकनेस है, डिस्कलरेशन। अब डिस्कलरेशन एक ऐसी चीज है जो कि नर्व्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसका आर्टरी के साथ लिंक है। पल्स की वीकनेस हो सकती है, मोटर फंक्शन जो चलो ठीक है आपका आ जाएगा नर्व की वजह से है, गैंग्रीन हो सकता है, अल्सरेशन है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ये सारी चीजें आपकी आर्टरी से रिलेटेड हैं, ठीक। तो ये एक सिंपल नर्व इंजरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कोई काम बन जाता है। कंप्लेन ऑफ हेडेक, इसमें हेडेक का भी प्रॉब्लम है, इसमें पोस्चर रिलेटेड चेंजेस भी आ जाती हैं, कोई भी आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर अगर बनता है तो फॉरवर्ड हेड के साथ आपको पता है मस्कुलर इम्बैलेंस आ जाता है, कुछ मसल्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा टाइटनेस में जा रहे हैं, कुछ आपके जो है वो वीकनेस में जा रहे हैं, तो भी अल्टीमेटली आपकी ये जो आउटलेट की स्पेस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जब आउटलेट की स्पेस रिड्यूस होगी तो वो आपके कंप्रेशन कॉज कर सकता है एनी स्ट्रक्चर जो वहां से पास कर रहे हैं। टॉर्स का एक और लिंक है सर्वाइकल रिब के साथ, ठीक है, आपके कोई भी मसल्स कैलनीज हैं, कोई भी और मसल है उसकी अगर हाइपरट्रॉफी है वो भी आपके स्पेस को रिड्यूस करेगी। इसी तरह से आपके ड्रॉपी शोल्डर सिंड्रोम है, ठीक है, डिप्रेस्ड शोल्डर है, वो आपके एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉज कर सकता है। हाइपर एबडक्शन जो है वो सिंड्रोम है, हाइपर एबडक्शन के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आपकी कंप्रेशन कॉज कर रहा होगा। टॉस जो है ना वो चार तरह का है बेसिकली, न्यूरोजेनिक, नॉन स्पेसिफिक सिम्टोमेटिक न्यूरोजेनिक, वैस्कुलर सेल सिंड्रोम और वैस्कुलर में वीनस टाइप आ जाती है। अगर सबसे पहले हम न्यूरोजेनिक की अगर बात करें ना तो ये ट्रू काइंड है टॉस की, अगर हम टॉस की डेफिनेशन की बात करें तो न्यूरोजेनिक टॉस ये ट्रू टाइप है, बट ये रेयर भी है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका जो सर्वाइकल रिब है वो प्रेजेंट होती है और साथ में इसके मोटर लॉस आता है, आपके जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं हैंड के उनका पैरालिसिस या एट्रोफी जो है वो देखने में आती है। इसके अलावा आपका जो मीडियल बॉर्डर है आर्म का उसमें पैरेस्थीजिया जो है वो फील होता है, पिंस एंड नीडल्स की जो सेंसेशन है। ये रेयर है तो ये ट्रू टॉस की टाइप बट रेयर है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टोमेटिक न्यूरोजेनिक ये कॉमन टाइप है, इसमें भी सर्वाइकल रिब की प्रेजेंस तो हो सकती है बट इसमें एट्रोफी टाइप चीजें जो है वो हमें देखने में नहीं मिलती हैं। पेन है, पैरेस्थीजिया वगैरह चीजें होंगी लेकिन एट्रोफी नहीं होगी, ये कॉमन टाइप है, ठीक है, टॉस की। आर्टीरियल कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है, ठीक है, लाइक आपकी सर्वाइकल रिब की वजह से ही अगर आपकी आर्टरी जो है वो कंप्रेस हो रही है, आपकी वीकनेस आ रही है या पल्स में वीकनेस आ रही है, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी जब करते हैं जिसमें ओवरहेड आपकी आर्म की मूवमेंट है, उस टाइम पे आपका अगर आर्टीरियल कॉम्प्रोमाइजेशन आ रही है तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये टॉस की आर्टीरियल टाइप है, ठीक है, वैस्कुलर सिंड्रोम्स में आर्टीरियल टाइप है। अगर वीनस जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं कंप्रेशन की वजह से नहीं, यहाँ पे ये माइंड में रखिएगा कि वीनस टाइप जो है वो वेन्स की कंप्रेशन से नहीं होगा, ये बेसिकली थ्रोम्बोसिस की अगर कोई फॉर्मेशन हो जाती है और आपके लिम्फैटिक्स को और बाकी से वीनस जो सप्लाई है या सर्कुलेशन है उसको अगर इफेक्ट करिए तो ये आपकी कौन सी टाइप होगी, वीनस टाइप होगी वैस्कुलर सिंड्रोम्स के अंदर। अब रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जो सिम्टम्स आते हैं टॉस के पेशेंट को, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहले कंप्रेसिव तो कॉज हो सकता है, फॉल्टी पोस्चर अभी मैंने आपको फॉरवर्ड हेड का बताया, इसके अलावा इंट्रैपमेंट ऑफ न्यूरल टिश्यू फ्रॉम स्कार टिश्यू एंड प्रेशर। समटाइम्स हमें आदत होती है एक बहुत भारी बैग जो है वो अपने एक शोल्डर के ऊपर लटकाने की आदत होती है, जैसे कि लैपटॉप का बैग, ठीक है, उसका अपना एक वेट होता है, या समटाइम्स जो बैकपैक्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, अगर वो सिंगल वो स्लिंग के हैं तो एक ही शोल्डर के ऊपर प्रेशर से कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये भी कॉज हो सकता है, या समटाइम्स आपकी हाइपरट्रॉफी है मसल की या किसी भी वजह से आपकी स्पेस रिड्यूस है आउटलेट की,
तो आपकी जो नर्व की मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, नर्व अच्छे से ग्लाइड नहीं कर सकेगी। जब नर्व अच्छे से ग्लाइड नहीं करेगी ना, तो वहां पे उसकी क्या है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, स्कार बनना शुरू हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, एडिशंस बन जाएंगी, तो अल्टीमेटली मजीद उसकी मोबिलिटी को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। अब जब नर्व रिड्यूस हो जाती है उसकी मोबिलिटी, तो वो ससेप्टेबल हो जाती है टूवर्ड्स इंजरी, राइट। अब इंजरी होगी तो अल्टीमेटली का क्या होगा, सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये वो साइट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी, जहां पे नर्व की कंप्रेशन की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये वो तीन एरियाज थे, इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल, कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस और एक्सिलरी इंटरवल। अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये ट्रायंगुलर एरिया आपका इंटरस्कैलिनी ट्रायंगल था, कॉस्टोक्लेविकुलर क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरम्यान में, और फिर एक्सिलरी जो इंटरवल है उसके दरम्यान में आपकी ये जो नर्व है कहीं पे भी इंपिंज कर सकती है। ये सारा एरिया बेसिकली आपका आउटलेट का ही एरिया है, तो यहाँ पे किसी भी किस्म का कंप्रेशन आएगा, स्पेस रिड्यूस होगी, तो पेशेंट को सिम्टम्स अराइज होंगे। अब इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं और फंक्शन लिमिटेशंस क्या होती हैं, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होंगी, बट बिल्कुल लेमैन टर्म में अगर मैं आपको इसका डिफरेंस बताने की कोशिश करूं, तो पेशेंट ने आके आपको जो अपना प्रॉब्लम बताना है ना, कि जी मेरे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बाजू इधर नहीं किया जाता, बाजू फलान डायरेक्शन में मूव नहीं होता, मेरी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, फॉर एग्जाम्पल बात करी, तो जो पेशेंट अपने वर्ड्स में आके आपको जो काम बताएगा कि वो नहीं कर पा रहा, वो उसकी फंक्शनल लिमिटेशन है। उन फंक्शनल लिमिटेशंस के पीछे रीजन क्या है कि वो स्लीप उसकी डिस्टर्ब क्यों है, उसका बाजू एब्डक्शन में नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, उसकी फलां मूवमेंट डिस्टर्ब है तो क्यों डिस्टर्ब है, वो होती हैं आपकी इम्पेयरमेंट्स। पेशेंट को इम्पेयरमेंट्स के बारे में नहीं पता, पेशेंट फंक्शनल लिमिटेशंस जानता है, वो आपको आपको वो बताएगा। फंक्शनल लिमिटेशंस को देखते हुए आपने उसकी इम्पेयरमेंट्स के ऊपर गौर करना होता है। अब इम्पेयरमेंट्स क्या होंगी टॉस के अंदर, कि इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस और वैस्कुलर जो सिम्टम्स हैं, पेन के आएंगे, ये पैरासीजिया के होंगे, नमनेस है, वीकनेस है, डिसकलरेशन है, स्वेलिंग हो सकती है, शोल्डर गर्डल के जो मसल्स हैं उनका मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है, पोस्चरल जो है वो फॉल्ट हो सकते हैं, मसल्स की पुअर इंड्योरेंस होगी, क्योंकि आपके अगर जो पोस्टरल मसल्स हैं अगर उनमें इंड्योरेंस नहीं है, वो जल्दी फटीग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जब वो फटीग होंगे तो आपका पोस्चर जो है वो खराब करेंगे, पोस्चर खराब होगा तो अल्टीमेटली जो अफेक्ट है वो कहाँ पे आएगा, वो आपकी नर्व के ऊपर आएगा या आउटलेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है उनको थोरेसिक ब्रीदिंग की, मतलब वो थोरेक्स को यूज करते हैं, वो अपने एब्डोमेन को यूज नहीं करते ब्रीदिंग के अंदर, उस केस के अंदर भी वो अपने जो थोरेसिक के मसल्स हैं उनका ओवर यूज की वजह से ये जो आउटलेट का एरिया है उसको खराब कर रहे होते हैं, उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पेयरमेंट है थोरेसिक जो ब्रीदिंग है। मोबिलिटी अगर ज्वाइंट्स की रिड्यूस है, लाइक क्लेविकल है, फर्स्ट रिब है, इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेच जो आपके ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर आ रहा है वो आपको ये कॉज कर सकता है। अब लिमिटेशंस, पेशेंट आपको क्या कहेगा कि जी स्लीप उसकी डिस्टर्ब है, इनएबिलिटी टू कैरी ब्रीफकेस या कुछ चीज लिफ्ट करना वो प्रॉब्लम है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओवरहेड पोजिशन को अचीव करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, कोई एक पोस्चर जो है वो किसी एक्टिविटी के लिए अचीव करना पेशेंट के लिए क्या है, मुश्किल हो रहा। अब अगर टॉस का पेशेंट है तो उसको आप अगर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट की एजुकेशन। अब पेशेंट की एजुकेशन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट को ये बताना है कि कौन से ऐसे काम है करने से जो कि आपकी पेन को प्रोवोक करेंगे और कौन से ऐसे काम है जो कि आपकी पेन को रिलीव करेंगे, तो आपने उन कामों को अवॉइड करना है। लेट्स से अगर किसी को ओवरहेड काम करने में पेन आना शुरू हो जाता है तो आप उसको कहेंगे कि फलां फलां काम आपने जो ओवरहेड करने वाले हैं वो आपने नहीं करने, ठीक है। अगर उसका पोस्चर फॉल्टी है, लाइक फॉरवर्ड हेड पोस्चर अगर है, तो आप उसका पोस्चर करेक्शन कराओगे। न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज जो नर्व है, अगर वो इट्सेल्फ
मोबाइल नहीं है, उसकी ग्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो आप ऐसी टेक्निक्स जो है वो यूज करेंगे जो कि नर्व की मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स है। ये हम इंशाल्लाह लैब वर्क में ये इसको प्रोड्यूस करेंगे और आप देखिएगा कि जो ये टेक्निक्स है ये आपकी नर्व को क्या करेंगे, ग्लाइड करती हैं। अब नर्व ग्लाइड होगी तो वहां पे उसकी रिस्ट्रिक्शन कम होगी और आपके सिम्टम्स कम होंगे। वो एरिया के जो ज्वाइंट्स हैं लाइक क्लाविकल है, आपका जो फर्स्ट रिब है, शोल्डर गर्डल है, स्कैपुला है, इनको आप अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसको थ्रू ज्वाइंट मोबिलाइजेशन आप उसको रिजॉल्व करोगे। मसल पावर जो है उसकी या परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करोगे। जो लाइक फॉरवर्ड हेड के अंदर भी आपके कुछ मसल्स वीकनेस में होते हैं, आप उनको स्ट्रेंथन अप करोगे। पोस्टरल मसल्स की आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग आपको पता है क्या है कि फिटीक को रेजिस्ट करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं कि इंटेंसिटी को रिड्यूस रखते हैं, रेपिटेशंस को मैक्सिमम रखते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न अगर ऐसे पेशेंट का है तो आप उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग की तरफ लेकर आएंगे कि आपका जो एब्डोमेन है उसको यूज करे, डायफ्राम को यूज करे, ना कि सिर्फ थोरेसिक को। पेशेंट को आपने फंक्शनल करना है जो अल्टीमेट आपका गोल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाता है दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली एक स्पेस है कार्पल बोन्स के अंदर जहां से जो कि डॉर्सली आपकी कार्पल बोन्स होती है और वोलरली यानी पाम वाली साइड पे आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, इसके दरमियान में जो स्पेस बनती है वहां से आपके टेंडन्स पास करते हैं, वहां से आपकी मीडियन नर्व पास करती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी कार्पल टनल की स्पेस को रिड्यूस करती है, चाहे वो एडीमा है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो किसी किस्म का टेंडन शीथ की इन्फ्लेमेशन है, या आपकी टेंडनाइटिस है, टेंडन्स की इटसेल्फ स्वेलिंग है, या कोई रेपिटेटिव वर्क है, कोई ऐसी आप सस्टेन एक्टिविटी करते हैं कंटिन्यूस टाइम के लिए, कोई आपका पोस्चर ऐसा रहता है जैसे कि ऑफिस वर्कर्स के अंदर हाइपर एक्सटेंशन रहती है रेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको स्वेलिंग कॉज कर सकती हैं, आपकी स्पेस को रिड्यूस कर सकती हैं और अल्टीमेटली आपकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन को बढ़ा सकती हैं। या फिर कोई लोकल ट्रॉमा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आपकी ओवर यूज, बेसिकली ये कार्पल टनल जो है ना वो आपका ओवर यूज है, यानी आपका जो रिस्ट की मूवमेंट्स हैं उनको ज्यादा करना, रेपिटेटिवली करना, उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। या आपका जो है वो डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी आपसे लैसरेशन की, सुसाइड के केसेस के अंदर लैसरेशन का केस है, नर्व कट गई है तो वो डायरेक्ट ट्रॉमा का केस आ जाता है। समटाइम्स आपकी जो है वो रिस्ट की जो बोन्स है, कार्पल बोन्स है, उसकी डिसलोकेशन हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो सकता है। सिस्टमेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी आपकी बॉडी के अदर सिम्टम्स लाइक प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो ये कार्पल टनल का केस कॉमन है। क्यों कॉमन है? बेसिकली ये रीजन है कि हॉर्मोन्स का जो चेंज है वो बहुत एब्रप्ट हो रहा होता है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर उस टाइम पे, या वाटर रिटेंशन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा होती है, तो वो कार्पल टनल जो है आपकी स्पेस वहां पर रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी एडीमा के केसेस, स्वेलिंग वगैरह रहती है। डायबिटीज में आपकी जो है वो टेंडन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या एडहीजन्स बन जाती हैं ड्यू टू ज्यादा जो आपके शुगर का कॉन्टेंट है ब्लड के अंदर। तो हर वो चीज जो आपकी कार्पल टनल स्पेस को रिड्यूस कर सकती है वो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ लेके जा सकती है, आपकी मीडियन नर्व को कंप्रेस कर सकती है, और मीडियन नर्व आगे जहाँ हैंड के जिस जिस एरिया वो सप्लाई कर रही है वहां पे उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑकवर्ड रेस्ट पोस्चर्स लाइक जो अभी हम बात कर रहे थे ऑफिस वर्कर्स में जिस तरह से कंप्रेशन जो है वो रहे फ्लेक्शन या एक्सटेंशन के अंदर, तो वो भी आपकी कंप्रेशन कॉज कर सकता है। एग्जामिनेशन में हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एससीपी जो है वो पढ़ना शुरू कर दी होगी और आप लोगों को आइडिया होगा कि हिस्ट्री जो है वो किसी भी चीज की इवैल्यूएशन और असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिस्ट्री आपको 70-80% आपका डायग्नोसिस जो है वो बना देती है, क्योंकि उसमें आपको पता ये चलता है कि प्रॉब्लम शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, मोड ऑफ इंजरी क्या था, किस तरह से स्टार्ट हुआ, किन चीजों से होता है, किन चीजों से रिलीव होता है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको हिस्ट्री बताती है। तो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसमें जो पॉजिटिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं
आपके सिम्टम्स और आपके जो टेस्ट हैं मस्कुलोस्केलेटल के, डेफिनेटली आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़े होंगे, लाइक टिंगल साइन है. टिंगल साइन क्या होता है? अगर आप नर्व को उस पर्टिकुलर जगह पे टैप करें और उससे टैप करने से सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाए, तो ये उसका टिंगल साइन पॉजिटिव होता है कि नर्व इंजर्ड है. फिलिंग्स टेस्ट यहाँ पे आता है, जिसमें आप हाइपरफ्लेक्स जो है वो पोजिशन जो है वो रखते हैं दोनों हैंड्स की, रिस्ट की, और वो कंटिन्यूस थोड़े टाइम के लिए रहता है, और अगर पेशेंट के सिम्टम्स प्रोवोक करते हैं तो अगेन आपका ये पॉजिटिव साइन है. लॉस ऑफ टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, पेशेंट को टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर पाता. लाइक जो मीडियन नर्व है उसका जो कोर्स है वहां पे अगर आप दो पॉइंट्स पे पेशेंट को एट अ टाइम स्टिमुलस दें तो वो किसी एक को सेंस कर सकेगा, दूसरे को सेंस नहीं कर पाएगा. ये आपकी सेंसरी लॉस है एक तरह का, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है. तो पेशेंट क्या है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता. एसोसिएटेड एरियाज क्लियर करने जरूरी हैं, जैसे कि अब मीडियन नर्व में जो आपका थिनार एविडेंस है उसको देखना जरूरी है कि उसकी कोई एट्रोफी या उसमें कोई इम्बैलेंस, कोई कमी पेशी तो नहीं हो रही है. डबल क्रश इंजरी, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना वो एक तरह की डबल क्रश इंजरी है. इसको जरा समझ लीजिएगा कि व्हाट इज डबल क्रश इंजरी. समटाइम्स ऐसा होता है कि जहां पे इंजरी हुई है पेशेंट को सिम्टम्स उस इंजरी एरिया से डिस्टली आ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल की बात को हटके अभी हम पहले टॉस की अगर बात कर लेते हैं. टॉस आउटलेट सिंड्रोम है ना, ठीक है. आउटलेट के अंदर आपकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आया, ठीक, वहां से जो ब्रेकियल प्लेक्सस थी वहां गुजर रही, वहां पे कंप्रेशन आया, लेकिन पेशेंट आपको प्रेजेंट कर रहा है कार्पल टनल के साथ. टॉस और कार्पल टनल जो है ना वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से कि हमारे पास पेशेंट सिम्टम लेके आता है हैंड के अंदर, हम कार्पल टनल सिंड्रोम समझ के उसको ट्रीट करते रहते हैं बट उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता. क्यों? क्योंकि जो असल कॉजिटिव एरिया है वो है आपका आउटलेट. तो अगर प्रॉब्लम इस तरह से अराइज करे कि जहां पे इंजरी हुई है साइन एंड सिम्टम्स आपको उससे डिस्टल एरिया में जाके आ रहे हो, उससे ऐसी इंजरीज को कहते हैं डबल क्रश इंजरी. कॉजिटिव एरिया के ऊपर भी पेन सिम्टम्स हैं और उससे डिस्टली भी आपको जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डबल क्रश इंजरी, ठीक है. तो ये टॉस के केस के अंदर होता है जो कि प्रेजेंट करता है कैसे डबल क्रश इंजरी में एज अ कार्पल टनल. तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे जरूरी है. अब इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, सॉरी जो इम्पेयरमेंट्स हैं, उसमें जो रेपिटेटिव यूज है आपकी प्रोग्रेसिव वीकनेस जो है वो आ जाती है थिनार मसल्स की, और जो आपके एडक्टर पॉलिसिस है, एक्सटेंसर मसल्स हैं थंब के, और जो डिजिट्स हैं आपकी 2 और 3, इनके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आता है. ये मोटर वीकनेस आती है, ऑपोजिट साइड मसल्स जो है वो टाइट रहते हैं, इसमें मोबिलिटी जो है वो जॉइंट्स की जो है वो रिड्यूस हो जाती है मीडियन नर्व के कोर्स पे. इसके अलावा कार्पल टनल में आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है. फॉल्टी फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड डिक्रीज सर्वाइकल आरओएम, ये भी एक इम्पेयरमेंट है. अब आप कहोगे कहाँ हैंड और कहाँ सर्वाइकल, बात वही है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ आउटलेट सिंड्रोम बनता है, आउटलेट की वजह से आपका कार्पल टनल एग्जिस्ट कर सकता है. पेशेंट आके आपको क्या कहेगा कि उसकी जो फाइन मूवमेंट्स है लाइक थंब की टिप को बाकी फिंगर्स की टिप के साथ टच करना, ठीक है, जिसको हम ऑपोजिशन की मूवमेंट कहते हैं, ये नहीं हो पाती है. थंब की टिप को जो पैड है फिंगर का, यानी कि जो आपका एमसीपी पार्ट है, एमसीपी जॉइंट एरिया है फिंगर्स का, टिप को वहां पे टच करना, जैसे हम जो तस्बी पढ़ते हैं ना नमाज के बाद, आम कॉमन है हम फिंगर्स के ऊपर जो है वो तस्बी पढ़ रहे होते हैं, तो हम पहले टिप को टच करते हैं फिर दरमियान वाले पे आते हैं
फिर हम सबसे लास्ट वाले जो फेलिंग का जो लाइन बनती है, हम एमसीपी जॉइंट की लाइन उसको टच करते हैं. ये टिप टू पैड मूवमेंट है, पेशेंट ये नहीं कर पाएगा. ठीक है, हो सकता है आपको आके वो कंप्लेन ही ये करे कि मेरे से तस्बीह नहीं पड़ी जाती जब मैं उंगलियों पे पढ़ रहा हूँ. पैड टू पैड एक्टिविटीज नहीं है, लाइक थंब के पैड को फिंगर्स के पैड के साथ टच करना, फाइन मूवमेंट है ये पेशेंट से करना मुश्किल होती है. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं उस एरिया को यूज नहीं करता जहां पे सेंसेशन कम है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज उससे नहीं की जाती जो कि प्रोवोकिंग है, तो वो पेन की वजह से रिपीटेटिव मूवमेंट्स वगैरह वो नहीं कर पाता. अब ऐसे पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे करना? सबसे पहले तो अगर आप नॉन ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं तो आपने प्रोटेक्ट करना है नर्व को थ्रू स्प्लिंट्स. स्प्लिंट्स अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, हम इस तरह के स्प्लिंट्स यूज करते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिले और नर्व जो है वो फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट हो. एक्टिविटीज की मॉडिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होती है. कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी है, जो आपको एक्टिविटीज प्रोवोक कर रही हैं आपको जरूरत है कि आप उनको ना करें. लाइक रिस्ट की जो मूवमेंट्स, रेपिटेटिव मूवमेंट्स है, आप ऑफिस वर्कर है, आप माउस यूज कर रहे हैं तो आप माउस पैड के साथ यूज करें जो कि रिस्ट पैड्स जिसमें अवेलेबल होते हैं, ताकि कंप्रेशन से आप बच सकें. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स को मोबिलाइज करने की जरूरत है. आपके कार्पल जो बोन्स हैं उसमें जो छोटे छोटे से जॉइंट्स बनते हैं उनको आपको मोबाइल करने की जरूरत पड़ती है ताकि आपकी मोबिलिटी रहे, तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकें सिम्टम्स को. मस्कुलर जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. अब मसल परफॉर्मेंस हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले हम मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं. मसल सेटिंग आप लोग पढ़ के आए हो कि जो बिल्कुल मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ, ना होने के बराबर जो रेजिस्टेंस होती है उसके साथ जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, उनको हम कहते हैं मसल सेटिंग. मल्टीपल जॉइंट जो मल्टीपल एंगल के ऊपर आप जब मसल सेटिंग कराते हो तो यह आपकी मसल की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है. डायनामिक आपको कंट्रोल डेवलप कराना पड़ता है मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू. ठीक है, हैंड के डिफरेंट मसल्स हैं उनकी आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड हैं. आपको इंड्योरेंस रिक्वायर्ड है इसके अंदर. क्यों? क्योंकि ये रेपिटेटिव यूज से ये प्रॉब्लम अराइज करता है. इसका मतलब ये है कि जब रेपिटेटिव यूज कर रहे हैं आपके मसल्स थक रहे हैं और उसकी वजह से वो आपको सिम्टम कॉज कर रहे हैं, तो आपको इंड्योरेंस रिक्वायर्ड है ताकि आपके मसल्स कम से कम थकें और वो अल्टीमेटली आपको ज्यादा फायदा दे सके. पेशेंट को फंक्शनल करना है ताकि वो अपने काम अच्छे से करता रहे. अब अगर केस ऐसा है हमारे पास जो कि नॉन ऑपरेटिव से बात बढ़ गई है, कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हो रहा, अब हमें हर हाल में ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, तो हमें उसका जो है वो ऑपरेशन जो है वो करना पड़ता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. सर्जिकल ट्रीटमेंट ओपन भी होता है या वो क्लोज भी है, आप एंडोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वो पर्टिकुलर चीज या जो आपकी रिस्ट्रिक्शन कॉज कर रही है, लाइक अगर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा थ्रू इंसिजन देके सर्जिकली. अब सर्जिकली ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद जब आपके पास पेशेंट आया है तो उस वक्त आपके पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर पेशेंट आता है, और उसके बाद फिर आपने उसको जो है वो वहां पे लेके चलना है. यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि आपने पेशेंट को गाइड किस तरह से करना है, पेशेंट को समझाना क्या क्या है. पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसने कब एक्सरसाइजेस शुरू करनी है और ये कितनी देर तक ये प्रोलॉन्ग रहेगा. पेशेंट का सबसे पहला सवाल ये होता है मैं ठीक कब होऊंगा, तो आपने उसको ये प्रॉपर समझाना होता है कि जी फलां चीज है, इसको ठीक होने में इतना टाइम लगेगा, इसको हील होने में इतना टाइम लगेगा. तो आपकी ये जो ऑपरेशन के बाद यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद आपका ये जो कार्पल टनल है उसको ठीक होते होते 3 से 6 महीने लग जाते हैं. तो ये पेशेंट को जो है वो आपने अच्छे से गाइड करना है ताकि उसको पता हो कि उसने इस सारे अरसे में कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, जो उसको अवॉइड करने वाले काम है उसको अच्छे से आइडिया होना चाहिए. कौन सी मूवमेंट उसने नहीं करनी है, वो रेपिटेटिव जो उसको पेन प्रोवोक कर रही थी वो काम उसने अवॉइड करने हैं, वो उनकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ताकि उसमें कोई स्कार ना बने, उसमें कोई फाइब्रोसिस ना हो, एडिशंस ना बने, वो फर्दर मोबिलिटी को खराब ना करें.
वोन के इन्फेक्शन से आपने बचाना है, ठीक, ये सारी चीजें। फिर आपके पास एक्टिव टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस आ जाती है। टेंडन की ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस से होता क्या है कि आपकी जो मोबिलिटी है वो बेहतर होती है। जब मोबिलिटी बेहतर होगी तो अल्टीमेटली आपका जो कंप्रेशन है वो रिलीव होगा वहां से, और आपके पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस क्या है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के अंदर। ये चले पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस हैं। ये आपकी जो पांच पोजीशंस हैं, बेसिकली ये पोजीशंस हम अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेट आपकी हैंड है, पहले हम इसको देख लेते हैं पोजीशंस को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये करते कैसे। सेकेंड पोजिशन है दैट इज हुक फिस्ट, हुक की फॉर्म में फिस्ट बनना। लाइक ये सारे जो ज्वाइंट्स हैं वो 90-90 के ऊपर होंगे, राइट। देन आपके फुल फिस्ट है जिसमें कंप्लीट फ्लेक्शन है, हर ज्वाइंट के ऊपर कंप्लीट फ्लेक्शन, कंप्लीट फिस्ट। देन स्ट्रेट फिस्ट, स्ट्रेट फिस्ट में आपके सिर्फ एमसीपी जो ज्वाइंट्स है इनके ऊपर फ्लेक्शन होगी, बाकी ज्वाइंट्स आपके क्या होंगे, स्ट्रेट रहेंगे। सॉरी बाकी नहीं, ये सिर्फ आपका ये जो डिस्टल ज्वाइंट है ये आपका स्ट्रेट रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, बाकी के ऊपर फ्लेक्शन रहेगी। देन आपके पास प्लेटफॉर्म पोजीशन आ जाती है जिसको हम टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह की है जिसमें सिर्फ एमसी के ऊपर जो है वो एमसीपी के ऊपर आपकी फ्लेक्शन है, बाकी आपके दोनों ज्वाइंट्स न्यूट्रल पे रहेंगे, ये आपकी टेबल टॉप पोजीशन। अब करते किस तरह से हैं, पोजीशन आप स्ट्रेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हुक फिस्ट के ऊपर। यहाँ पे इसको 3 से 5 सेकेंड के लिए आपने इसको होल्ड करना, देन आप वापस पोजीशन अडॉप्ट करेंगे स्ट्रेट, ठीक। स्ट्रेट के बाद आप आ जाएंगे फुल फिस्ट के ऊपर, अगेन इसको होल्ड करेंगे, फिर अगेन स्ट्रेट के ऊपर आएंगे, देन नेक्स्ट पोजीशन स्ट्रेट फिस्ट, फिर स्ट्रेट पे आ जाएंगे, एंड देन आखिर में आपकी क्या आ जाएगी, टेबल टॉप या प्लेटफॉर्म पोजीशन। ये साइकिल है, सर्किट है, आपने ये कंप्लीट करना है। इसमें हम 10 times जो है वो पेशेंट को रिपीटेशंस कराते हैं, और दिन में 3 से 4 दफा रिपीट करने के लिए बोलते हैं, विद 3 to 5 seconds होल्ड ईच पोजीशन, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्लाइडिंग पोजीशन एक्सरसाइजेस होती हैं टेंडन की, इससे मोबिलिटी जो है ना वो आपकी क्या रहती है, बेहतर रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस में आपकी रिस्ट की जितनी मूवमेंट्स हैं, आपकी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एब्डक्शन एडक्शन है, या रेडियल डेविएशन, अल्ना डेविएशन है, फिंगर्स की जितनी मूवमेंट्स है, वो सारी की सारी ROM एक्सरसाइजेस के तौर पे हम पेशेंट को परफॉर्म कराते हैं। अब अगर मॉडरेट की बात करें, जिसमें अब हीलिंग हो गई है, स्कार टिश्यू बन गया है, तो अब स्कार टिश्यू की मोबिलाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो फाइब्रोसिस ना हो और वो एडहीजन ना कॉज करे। समटाइम्स हमें स्ट्रेचिंग और जो जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं उनको यूज करना पड़ता है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और ये जो ये बेसिकली आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो ये जो मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज है, ये आपका 10th से 12th day है जहाँ पे आपका ये फेज शुरू हो जाता है। इसमें आपको फिर आपको पेशेंट को जो है ना वो फिर फर्दर एक्टिविटीज की जरूरत है, मसल की परफॉर्मेंस को आपको फिर स्ट्रेंथनिंग के थ्रू बेहतर करना है। डेक्सटेरिटी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपकी हैंड की और फिंगर्स की जो फाइन मूवमेंट है उनको इम्प्रूव करना। वो जो फाइन मूवमेंट वो कौन सी थी, टिप टू टिप, टिप टू पैड, पैड टू पैड मूवमेंट, ऑपोजिशन जो मूवमेंट है थम्स की या फाइन मूवमेंट है उनको बेहतर करना, उसकी प्रैक्टिस कराना, उसकी ट्रीटमेंट देना। सेंसरी स्टिमुलेशन देना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव सेंसरी री एजुकेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये चीजें पेशेंट को करानी पड़ती हैं। ये आपके पास है नर्व की ग्लाइडिंग टेक्निक। पहले हमने टेंडन की ग्लाइडिंग पढ़ी थी, ये आपकी नर्व की ग्लाइडिंग टेक्निक है। ये आपके पास 6 जो है वो मूवमेंट है, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपकी फिस्ट है, फिर आपकी न्यूट्रल पोजिशन है, देन एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में आपकी फिर थम की एक्सटेंशन आ जाती है, फिर सुपिनेशन के साथ, और फिर आपकी एंड पे थम की फोर्सफुल एक्सटेंशन। तो ये मूवमेंट्स, ये भी एक सर्कल है, साइकिल है, सर्किट है। तो ये आप जो प्रोड्यूस करते हो मूवमेंट्स, तो ये आपकी नर्व जो है ना वो इससे ग्लाइड कर रही होती है, मूव कर रही होती है। नर्व जो मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके वहां पे जो कंप्रेशन है उसको कम करेगी और पेशेंट
बेहतर फील करेगा। ठीक है जी, ये दो हमने जो है ना वो चीजें पढ़ ली हैं। आगे चलते हैं। अल्ना नर्व अगर टनल ऑफ गायन में इंट्रैप हो रही है तो ये भी एक कॉल, ये आपको कंप्रेशन कॉज करता है, सिम्टम्स कॉज करेगा। टनल ऑफ गायन बेसिकली क्या है, ये आपका हैमेट जो बोन है, कार्पल बोन, उसका हुक बनता है और साथ में उसके ऊपर प्रेजेंट होती है साथ ही पीजी फॉर्म बोन। इनके दरमियान से जब अल्ना नर्व पास करती है तो जो हैमेट का हुक है वो उसको इंट्रैप कर देता है। ठीक है, अब अल्ना नर्व जो है वो जब इंट्रैप करेगी तो उसके दो तीन एरियाज हो सकते हैं इंट्रैपमेंट के। अगर तो जोन वन है, ये वो जोन है जो कि हैमेट और पीजी फॉर्म के दरमियान में होगा। यहाँ पे ट्रैप होने वाली नर्व क्योंकि सेंसरी भी है और मोटर पार्ट दोनों है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों सिम्टम्स राइज करेंगे, सेंसरी भी और मोटर भी। जोन टू वो एरिया है जहाँ पे अल्ना नर्व डिवाइड होके दो ब्रांचेस बनाती है, एक सेंसरी और एक मोटर। जोन टू में आपकी मोटर जो ब्रांच है वो कंप्रेस होती है और आपको जो सिम्टम्स अराइज करेंगे वो मोटर से रिलेटेड होंगे, मतलब मोटर कंट्रोल लॉस होगा, वीकनेस होगी। ठीक है, जोन थ्री पे अगर हो तो जहां पे बायफर्केट करेगी और सेंसरी ब्रांच बनती है, और सेंसरी ब्रांच अगर इम्पेंज हो रही है तो वो आपको सेंसरी जो प्रॉब्लम्स है या सिम्टम्स है वो अराइज करें। ठीक है, ये तीन आपके जोन है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें जो सिम्टम्स हैं वो इंजरी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है पिजीफॉर्म और हैमेट के दरमियान में, कोई सस्टेन प्रेशर आ सकता है, लाइक कोई प्रोलॉन्ग आपने कोई एक्टिविटी ऐसी की है, हैंड राइटिंग जैसे पेपर आपने काफ़ी लंबे टाइम के लिए था और पेपर करते हुए जो पोजीशन बनती है वो समटाइम्स हाथ सोन होने लगता है, वो भी पोजीशन हो सकती है। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेपिटेटिव यूज़ की वजह से आपकी जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज आपने अगर वो बहुत ज़्यादा की हैं तो आपके फिफ्थ और जो फोर्थ फिंगर है उसके मसल्स के रेपिटेटिव यूज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या जैसे निटिंग के होते हैं ना, जैसे वो कोई स्वेटर वगैरह बुनना जो होती है, जो एक्टिविटी होती है उसमें लिटल फिंगर का यूज़ बड़ा है, लिटल और जो फोर्थ फिंगर है आपकी इसका बहुत रेपिटेटिव यूज़ है, तो ये आपकी अल्ना नर्व को कंप्रेस कर देता है। ट्रॉमा भी हो सकता है, डायरेक्ट आप इसके ऊपर फॉल हुआ है, ठीक है, हाथ गिरे हो और हाथ के बल आपने अपने आप को रोका, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये बॉर्डर आपका इंजरी कॉज कर रहा है आपको, या कोई और स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जैसे कि कोई गैंग्लियन बन सकता है यहाँ पे। अल्नर आर्टरी का एन्यूरिज्म हो सकता है, नर्व्स सॉरी आर्टरी जो है वो स्वेलअप कर गई है तो वहां पे आपको ये स्पेस रिड्यूस हो रही है। अगेन यहाँ पे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, पॉजिटिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसमें डीनल साइन पॉजिटिव होता है जब आप उसको टैप करते हैं तो ये प्रोवोकिंग साइन है। एसोसिएटेड एरियाज इसमें हाइपोथेनार जो एमिनेंस है उसमें वीकनेस या उसमें जो है वो मसल का इम्बैलेंस देखने में मिल सकता है, तो ये आपने एग्जामिनेशन में ये चीजें चेक करनी होती है। इम्पेयरमेंट्स में पेशेंट को पेन है, पैरेसीजिया फील हो सकता है जो अल्ना नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है, एट्रोफी हो सकती है इंट्रिंसिक मसल्स की, या जो हाइपोथेनार एमिनेंस है वो आपके लिटल फिंगर और जो फोर्थ फिंगर है उसके फ्लेक्सेस और एक्सटेंसर मसल्स जो है उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, एडहेजन्स कोई बने हो सकते हैं पीजी फॉर्म बोन के साथ। पेशेंट आके आपको कंप्लेन ये करेगा कि जी उसकी जो फिस्ट है ना या जो ग्रिप है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, फटीग उसको जल्दी हो जाती है, हाथ उसके थक जाते हैं जब वो ज्यादा काम करता है रेपिटेटिव काम के साथ। कोई भी गोल चीज या सिलेंड्रिकल शेप की जो चीज अगर पेशेंट हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी फिस्ट प्रॉपर नहीं बनती, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होती, होल्डिंग प्रॉपर नहीं है, और जो एक्टिविटीज अल्ना नर्व के सिम्टम्स को प्रोवोक करती है ना पेशेंट वो आके कंप्लेन करेगा कि जी ये काम करते हुए मुझे पेन होता है या मुझसे काम किया नहीं जाता। ठीक है, ये उसकी एक्टिविटीज की लिमिटेशन। अब नॉन ऑपरेटिव जो इसका मैनेजमेंट है ये जस्ट लाइक सीटीएस है, कार्पल टनल सिंड्रोम, पेशेंट की एजुकेशन, आपकी ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, नर्व की ग्लाइडिंग, टेंडन्स की ग्लाइडिंग,
आपकी मसल की परफॉर्मेंस को बेहतर करना, स्प्लिंट्स को यूज करना, ठीक है, ये सारे चीजें हम इस मैनेजमेंट के अंदर भी सेम हम यही काम करें, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपको सर्जिकल भी इसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो अगर आप सर्जिकली रिलीज करते हो नर्व को तो उसके रिस्क जो है ना वो 3 to 5 days के लिए हम उसको इमोबिलाइज रखते हैं, और उसके बाद फिर हम सिंपल जेंटल आरओएम एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम फर्दर प्रोग्रेस करते हैं जस्ट लाइक CTS। जैसे CTS के गाइडलाइंस में हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट की मैनेजमेंट पढ़ी, सेम उसी तरह से हम उसको लेके चलेंगे अल्ना नर्व को, ठीक है। बस सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अल्ना नर्व की जो है वो मोबिलाइजेशन होगी, वहां पे हम मीडियम की कर, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास रह गया जो प्रॉब्लम है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम या कोजेंजिया। अब ये क्या चीज है, ये भी आपके कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्स सिंपथेटिक डिस्ट्रोफी अगर है, ठीक है, सिंपथेटिक डिस्ट्रोफी साथ में रिफ्लेक्स इसमें है, अगर हम उसको हम क्लासिफाई हमने किया है एज एन कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम 1 कहते हैं। ये सिंड्रोम है, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, अभी आगे डिस्कस करते हैं क्या। और जो कोजेलजिया हम पढ़ रहे हैं इसको हमने क्लासिफाई किया है एज एन कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम 2, ठीक है। दो तरह के सिंड्रोम्स हैं, सिंड्रोम 1 और सिंड्रोम 2। रिफ्लेक्स सिंपथेटिक डिस्ट्रोफी को हम सिंड्रोम 1 कहते हैं और कोजेलजिया को हम कहते हैं सिंड्रोम 2। अब ये है क्या चीज, दिस इज अ ग्रुपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पेनफुल सिंड्रोम दैट डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रॉमा अफेक्टिंग द एक्सट्रीमिटीज विद और विदाउट एन ऑब्वियस नर्व लीजन। अब ये इस तरह के प्रॉब्लम है, ग्रुप है, सिंड्रोम है, डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जिसमें आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, अपर एक्सट्रीमिटी खास तौर पे ये अफेक्ट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें नर्व इन्वॉल्व हो। समटाइम्स नर्व इन्वॉल्व होती है, समटाइम्स नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। ये इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम है, खासतौर पर हैंड्स इसमें बड़े ज्यादा अफेक्ट होते हैं। पुराने नाम इससे रिलेटेड जो इससे सिनोनिम्स यूज होते थे वो शोल्डर हैंड सिंड्रोम भी इसको हम कहते थे, सडेक्स एट्रोफी भी इसका नाम है, कोजेलजिया भी हम इसको कहते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक डिस्ट्रोफी भी है, रिफ्लेक्स न्यूरोवैस्कुलर डिस्ट्रोफी भी हम इसको कहते हैं, ट्रोमेटिक एंजियोस्पैज्म और वेजोस्पैज्म भी हम इसको नाम बोलते हैं, सिंपथेटिकली मेंटेन्ड पेन भी इसी से मिलता जुलता, इसी से रिलेटेड चीज है, इसी का नाम है, डिफरेंट नाम है लेकिन चीज यही है। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो पेन है ना वो तो की फैक्टर है, पेन तो पेशेंट को बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सेंसरी एबनॉर्मैलिटीज इसमें ज्यादा आ जाती हैं और वो भी बर्निंग किस्म की पेन होती है जो कि अचानक शुरू होती है, स्पॉन्टेनियस है बर्निंग पेन। ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आप ये देखो कि ये ग्रुप है कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम्स का, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स का, ठीक है, तो उसमें ऑटोनॉमिक भी इन्वॉल्व है। ट्रॉफिक चेंजेस, आपकी स्किन की चेंजेस, फेशिया की चेंजेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मोटर फंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, इवन इसमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम है। अब मजे की बात ये है कि इसका जो अंडरलाइन मैकेनिज्म है ना वो स्टिल क्लियर नहीं है, इसकी जो एसोसिएशन है बड़ी वास्ट किस्म की है। पेनफुल शोल्डर के साथ भी इसका लिंक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट में भी ये लिंक है इसका, MI में भी है, सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भी इसका लिंक बनता है, ट्रॉमा के बाद भी ये हो सकता है, बर्न्स के बाद, इमोबिलाइजेशन आफ्टर सर्जरी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसके बाद भी आपके ये जो रीजनल पेन सिंड्रोम है ये हो सकता है। अब क्यों CVA का इसके साथ क्या लिंक है, ये चीजें अभी स्टिल जो है वो क्लियर नहीं है, बट ये चीजें देखने में आई हैं कि इसका लिंक बनता है, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ ये चीज अराइज कर सकती है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो इसमें बेसिकली यूजुअली इन्वॉल्व होता है, उसमें स्कीमिया भी हो सकता है, पेन है, नॉर्मल सोमोटर एक्टिविटी है, ट्रॉफिक चेंजेस, स्किन चेंजेस, डिसफंक्शन डिसफंक्शन इन ANS
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर. बर्निंग पेन है, अबनॉर्मल सेंसेशंस इसके अंदर ज्यादा रहती हैं. साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स और जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. स्टेजेस जो है ना, वो बेसिकली इसकी तीन स्टेजेस हैं, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री. स्टेज वन ऐसी स्टेज है जो कि रिवर्सिबल है, और ये बेसिकली वेजोडाइलेशन की फेज है. इसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो वेजोडाइलेशन हो रही होती है. 3 weeks से 6 months तक ये प्रोलॉन्ग कर सकती है, लास्ट कर सकती है. पेन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बड़ा ज्यादा पेन है. और वेजोडाइलेशन, हाइपरहाइड्रोसिस, स्वेटिंग ज्यादा. स्वेटिंग का ताल्लुक किसके साथ है? ANS के साथ. ANS क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ जो है वो लिंक है, तो आपका हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है इसमें. वार्म्थ, हीट ज्यादा जनरेट होती है. एरिथीमा, ब्लड का ज्यादा जो है वो स्किन की तरफ मूव करना, स्किन बहुत रेड किस्म की जो है वो शो होगी. नेल ग्रोथ ज्यादा है. एडिमा, जब ब्लड सप्लाई वेजोडाइलेशन ज्यादा होती है तो उसके साथ एडिमा भी हो जाता है, ठीक है, परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से. स्टेज टू जो है ना, वो डिस्ट्रोफिक है या वेजो कंस्ट्रिक्शन की है, जिसमें ब्लड सप्लाई जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है. और ये स्टेज जो है वो आपकी अगेन 3 से 6 महीने के लिए जो है वो लास्ट कर सकती है. स्टेज टू भी बर्निंग पेन होती है इसके अंदर भी. कोल्ड वेदर में जो है ना, ये ज्यादा जो है वो एग्जेसिबेट कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है, क्योंकि कोल्ड जो वेदर है उसके अंदर ऑलरेडी वेजो कंस्ट्रक्शन आपकी सुपरफिशियल एरियाज के ऊपर हो रही होती है, स्किन के ऊपर, तो ये उसको कॉम्प्लेक्स कर देती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है, बढ़ा देती है चीजों को, ठीक है. जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी एट्रोफिक स्टेज. एट्रोफिक के अंदर आपकी जो पेन है वो बढ़ जाती है. इवन इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है वो होना शुरू हो जाता है. आपकी मसल की वेस्टिंग इसमें नजर आनी शुरू हो जाती है. और ये स्टेज जो है ना, वो इवन ईयर्स तक जो है वो लास्ट करती है, मतलब प्रोलॉन्ग स्टेज है. और अच्छा खासा जो है ना, वो फिर इसमें आपको नुकसान देती है फिर ये चीज. स्पॉन्टेनियस इसकी रिकवरी समटाइम्स हो जाती है, समटाइम्स नहीं होती है. और अगर स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो तो ये 18 से 24 महीने लग जाते हैं इसको रिकवरी पे जाते जाते, मतलब ठीक होगा तो खुद ही होगा. इसको ऐसे मतलब ट्रीटमेंट इसके कोई खास इसको अफेक्ट नहीं करता. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसको जरूर दे सकते हैं, ठीक है. अब पेशेंट की जो इम्पेयरमेंट्स है, उसमें पेन है, पेशेंट को जो हाइपरएसीजिया है, इन एक्सट्रीमिटी आउट ऑफ पोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ टू द इंजरी, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इसमें आती है बहुत ज्यादा. जो एक्सट्रीमिटीज के डिस्टल पोर्शन हैं, लाइक हैंड्स हैं, वो आपके जो है ना वो इसमें ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है. और वो भी आपकी जो सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट हैं उसमें ज्यादा जो है वो देखने में आती है. लिम्फैटिक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ज्यादा है, वीनस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ज्यादा है. तो खास तौर पे ये जो डिस्टल पार्ट्स हैं, जैसे हैंड है, इवन फीट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. उसकी स्टिफनेस आ जाती है एडिमा की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, ठीक है बेटा. अच्छा, उसके बाद आपकी ट्रोफिक चेंजेस हैं, वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी आ जाती है. और अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारे पास स्टेज वन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है पेशेंट की एजुकेशन. पेशेंट की एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ आपने अभी जैसे अभी पहले पढ़ा कि स्टेज वन के अंदर वो वेजो डाइलेशन की स्टेज है, स्टेज टू जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की स्टेज है. तो पेशेंट को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वो किस स्टेज के अंदर है, उसकी कंडीशन क्या चल रही है, उसने उसको काउंटर टैकल कैसे करना है. वेजो डाइलेशन का फेज है तो उसको ऑब्वियसली हीट के साथ ट्रीट नहीं करना, उसमें हीट से रिलेटेड काम नहीं करने. अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन का फेज चल रहा है तो उसको कोल्ड से जो है वो अपने आप को बचाना है, राइट. ये चीजें पेशेंट को पता होनी चाहिए. पेन को रिलीव करने के लिए और एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मोडालिटीज यूज कर सकते हैं. टेंट्स यूज कर सकते हैं, कोल्ड पैक, हॉट पैक, अकॉर्डिंग टू स्टेज हम यूज कर सकते हैं.
देन आप एडिमा को कंट्रोल करने के लिए एलिवेशन कर सकते हो, वो जो प्राइस वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा. आप कंप्रेशन बैंडेजेस जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को. ठीक, मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पर परफॉर्म करेंगे ताकि मोबिलिटी बेहतर हो. मसल की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे जो चीजें कर सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे, वो आप स्ट्रेस लोडिंग कर सकते हैं इन क्वाड्रेट पोजीशन. ये एक चीज समझने वाली है कि जो क्वाड्रेट पोजीशन होती है, ऑल फोर पॉइंट्स जो आपके कांटेक्ट पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि आप दोनों हाथ भी आपके जमीन के साथ हैं और आपकी नीज भी जो है वो आपके ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, क्वाड्रेट पोजीशन. तो क्वाड्रेट पोजीशन के अंदर जब आपकी स्ट्रेस लोडिंग होगी आपके हैंड्स के ऊपर, रिस्ट जॉइंट्स के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, तो ये आपकी जो मसल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में हेल्प आउट करेगी आपको. ओवरऑल बॉडी की अगर आपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है तो आप लो लेवल की, लो ग्रेड की एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, लो लेवल की. ठीक है, जिससे बस आपकी जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो. जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो वो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन वाला फेज है उसमें थोड़ी बहुत आपकी बेहतरी आ सकती है. एरिया को डिसेंसिटाइज करना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि जब आप रिकवरी में जा रहे होते हो तो नर्व सेंसिटाइज होती है, उसको डिसेंसिटाइज करना जरूरी है थ्रू डिफरेंट टेक्सचर ऑब्जेक्ट्स, सर्फेसेस डिफरेंट आप रखते हो डिफरेंट टेक्सचर्स की, और उनके साथ पेशेंट को क्या करते हो आप स्टिमुलस दे के तो डिसेंसिटाइज करते हो उस पर्टिकुलर एरिया को. स्टेज टू और स्टेज थ्री में जो मैनेजमेंट है पेन की, वो अगेन आप मोडालिटीज के थ्रू करोगे. इसमें मोडालिटीज जो है वो प्रायर टू ट्रीटमेंट भी हो सकती है या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप मोडालिटीज का यूज कर सकते हो. लाइक टेंस है, टेंस आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस भी आप टेंस लगा सकते हो. ठीक, टेंस लगे लगे भी आप एक्सरसाइजेस करा सकते हो. तो ये एडजंक्ट में भी यूज हो सकती है मोडालिटीज और प्रायर टू ट्रीटमेंट भी यूज हो सकती है. डिसेंसिटाइजेशन अगेन आपको करनी है थ्रू डिफरेंट टेक्सचर्स. ठीक, मोबिलिटी को इंक्रीज करना है आपने थ्रू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स. आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मोबिलिटी को बेहतर करेंगे. ठीक, और अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि आपने पेशेंट को फंक्शनल करना है कि उसकी जो फंक्शनल परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो. आपने उसको इंडिपेंडेंट करना है जितना हद तक आप उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं. ठीक हो गया, चले ये हमारा लेक्चर था और टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है. इसमें से बेटा कोई चीज नहीं समझ आई भी तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे. जी, किसी का कोई सवाल बेटा? डीसेंसिटाइजेशन का बता देती हूँ. डीसेंसिटाइजेशन बेटा होती है आपकी जो नर्व जब रिकवर कर रही होती है ना, तो वो कुछ स्टिमुलसेस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो जाती है. तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, डीसेंसिटाइज करना पड़ता है और हर तरह के स्टिमुलस के लिए उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको रीट्रेन करना पड़ता है, री एजुकेट करना पड़ता है. हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं वो पेशेंट को फील कराते हैं, डिफरेंट सर्फेसेस हम उसको फील कराते हैं. लाइक आप गौर करेंगे यहाँ पे टेबल है, टेबल का टेक्सचर कुछ और होगा, मेरे पास पेन है, पेन का टेक्सचर कुछ और है, बुक का टेक्सचर कुछ और होगा, मोबाइल का टेक्सचर कुछ और है. हमने पेशेंट को हर तरह का टेक्सचर, हर तरह का सर्फेस फील कराना होता है, उससे उसकी री एजुकेशन होती है, ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो सेंस करने के लिए रीट्रेन होता है, और किसी एक स्टिमुलस के लिए जो वो सेंसिटाइज हुआ हुआ है वहां से उसकी सेंसिटाइजेशन कम होना शुरू हो जाती है. कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम बेटा मैंने आपको बताया कि अब मैं उसको सारा तो रिपीट नहीं कर सकती हूँ, आप इसको स्लाइड्स में पढ़िएगा कि ये ग्रुप है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स का. उसमें एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व है, आपका एएनएस इन्वॉल्व है, आपका सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इस सिंड्रोम में आ जाती है.
बेटा लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसको पढ़िएगा श्वेत, और उसमें फिर आप देख लीजिएगा कि मेन पॉइंट क्या है। इसमें मेन पॉइंट हम पेरिफेरल नर्व्स की इंजरीज पढ़ रहे हैं, तो इसका मेन पॉइंट मैं ऐसे तो नहीं बता सकती ना, पूरा लेक्चर आप सुनोगे तो आइडिया होगा। लेक्चर्स आपका ये जो कोर्स है ना बेटा, ये वैसे ही लेंथी है, ठीक है? तो जरा अपनी हिम्मत थोड़ी सी बांधिए, क्योंकि थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस 2 में डिटेल्स बहुत है, ठीक है? तो लेंथी है, इसलिए जरा इसको अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करें। टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, आपको मैंने 5 मूवमेंट्स बताई जो कि हैंड की डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। वो पोजीशंस हम पेशेंट से जो है वो अडॉप्ट कराते हैं, ठीक है? उसका एक खास पैटर्न है कि हम हर मूवमेंट, हर पोजीशन के बाद हम बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन, फिर अगली पोजीशन, फिर पहली पोजीशन, फिर नेक्स्ट पोजीशन, फिर पहली पोजीशन। तो इस तरह करते करते उससे पोजीशन जब आप बार बार अडॉप्ट करते हो, तो अंदर आपके जो टेंडन्स हैं उनकी ग्लाइडिंग होती है। जब ग्लाइडिंग होगी तो वो आपकी रिस्ट्रिक्शन को वहां पे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। LMS पे बेटा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा लेक्चर का, ईमेल भी कर दूंगी। अभी तो मैं ईमेल साथ साथ करती जाऊंगी, जैसे ही आप लोगों का LMS बिल्कुल फंक्शनल होता है, फिर आपको लेक्चर्स और स्लाइड्स वगैरह सारा कुछ LMS से लेना पड़ेगा, ठीक है? फिर मैं ईमेल नहीं किया करूंगी, तो आप उसको LMS को अपना अपडेट रखिएगा। चलें ठीक है बेटा, इसको लेक्चर को एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।